ये बास इंसान जिनको खाना खिलाना नहीं आता, इससे अच्छा तो बंदा डूब के मर जाए। ओए हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम आए हैं आज वाइल्ड लाइफ पार्क में, गेयर्सफेल्ड कोविन एक जगह है, इसका एड्रेस मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा और बहुत अच्छा है। अगर आप फैमिलीज के साथ आएँ बहुत मज़ा आएगा कि आप पूरे एक राउंड लगा सकते हो, एक छोटा राउंड है एक बड़ा राउंड है, और अंदर आके जानवरों को आप खाना भी दे सकते हैं, खाना वैसे भी दे सकते हैं, वो भी आपको पैकेट मिल जाएगा उसका बाहर से जब आप एंट्री करोगे। एंट्री तकरीबन बड़ों की 7 ही यूरो है, बच्चों की उससे कम ही है, 1 से 2 साल बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, और अपनी चीज़ें आप ला सकते हो पिकनिक की। कितना खूबसूरत पार्क है, बहुत प्यारा जगह है। ये इसकी टाइमिंग है 9 से 6 बजे तक, और नवंबर से मार्च तक टाइम कम है 10 से 4 बजे तक, अप्रैल से अक्टूबर तक है 9 से 18। ये रास्ता जाने का है, और इधर से आप वापस आते हैं और यहाँ पे कैफ़े वगैरह है और एंट्रेंस, यहीं से हम बाहर निकलेंगे। ऐसा है कि जानवर इन्होंने तारें लगाई हैं लोहे की, और आप इनको थोड़ा सा खाना भी दे सकते हो, वो मिल जाता है एंट्रेंस में, और पैकेट 2-3 आप लो और उनको खिलाते जाओ, और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर नज़र आएंगे, हिरन वगैरह जितने भी जंगली जानवर जो बाहर फिर रहे होते हैं उस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। अब चलते हैं, अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं, इधर से चलते जाएंगे, देखते हैं कितना लंबा है। 2 रास्ते हैं, एक बाहर से बड़ा राउंड है, एक छोटा राउंड है। अभी हम पहले छोटा राउंड ट्राई करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि बाहर वाला राउंड लगाना है या नहीं। ये जी मेरा अपना स्टार है कैप्रिकॉन, तो इधर तो मेरा इनसे सलाम दुआ करना बनता है, इसलिए मैं यहाँ तो सबसे ज़्यादा टाइम पास करूँगा अपना, फिर आगे दूसरे जानवर भी खैर है उनको बाद में देखेंगे। हाँ जी, क्या हाल चाल है, इनको खाना वाना दो यार, कहाँ है वो? ओए और जो इनकी चीज़ें हैं वही उस इंसान में वाकई होती हैं। अगर आप ज़रा सोचो अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, एक तो हमेशा ऊपर चढ़ने का शौक़ होता है, ये इनकी जगह भी इन्होंने ऐसी ही बनाई हुई है क्योंकि ये पहाड़ियों पे ही रहते हैं, और दूसरा ख़ुद अपना करते हैं काम, किसी के अंडर में आके ज़्यादा करते नहीं हैं। ये लो यार, आपके लिए स्पेशल मैंने एक पैकेट अलग से ख़रीदा था, हमारा पक्का रिश्ता है। प्यारी प्यारी भेड़े हैं ये, उनके शायद बच्चे हैं भेड़ों के छोटे, और यहाँ पे यही हमें गोश्त मिलता है इनका, या फिर गाय का डायरेक्ट, और बकरी वगैरह कम होती है या दुम्बा भी नहीं होता।
ये बाज इंसान जिनको खाना खिलाना नहीं आता, इससे अच्छा तो बंदा डूब के मर जाए। वो बच्चों का फीडर का ढक्कन नहीं होता, उसमें इनको बेचारों को खाना खिलाया जा रहा है। उसको आता है खाना तो दूसरे क्या करेंगे, उनको भी तो दो। यहाँ पे ऑस्ट्रिच हैं, वो अभी पहले इधर तक आए हुए थे, हमें देख के थोड़े से शर्मा गए हैं तो पीछे चले गए, तो हम अब उतर जाते हैं। अगर आ गए तो फिर ट्राई कर लेंगे एक दफ़ा, वरना अब दूसरी जगह जाते। जगह जगह पे बेंच भी बने हुए हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ी देर, जैसे आपने कुछ भूख लग गई है, चाय शाय पीनी है। चाय हमें तो बड़ी तलब हो रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर चाय होती तो इधर बैठ के मैं पीता ज़रूर। बहरहाल अब आगे चलते हैं और दूसरे जानवर देखते हैं जो रह गए। कैमरा तो रह गया। अब ये जो गेट है, इधर जानवर अंदर खुले हुए नज़र आ रहे हैं कि अंदर जा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे, और उन्होंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि पैकेट जो उनको खाने का हमने ख़रीदा है वो हाथ में नहीं होना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना है और अपने रिस्क पे अंदर जाना है। अंदर जाके आप उनको करीब से टच कर सकते हो, हाथ लगा सकते हो। अब ट्राई करते हैं जाना चाहिए या नहीं। बस आज है 3 अक्टूबर, इस दिन ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए थे, तो छुट्टी का दिन है, तो इसलिए काफ़ी फैमिलीज बाहर निकली हुई हैं और मौसम भी इत्तेफाकन बहुत अच्छा हो गया। अंदर से तो हम लोग हो आए, वो भी जानवर भी सही रह गए, हमारी भी बचत हो गई है। उनको देख लिया, फ़ोटो खींची है बहुत अच्छी, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा उसका घर जाके, और आगे चलते हैं। साथ में आप लोगों को ऊंचाई का अंदाजा हो रहा है, ये मेरे पीछे कितना ऊंचा है। आगे चले। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना बड़ा उल्लू देखा है, मतलब इसका वज़न मेरा 30 kg तो होगा, और बर्फ़ी इलाकों का उल्लू है। अब पता नहीं बर्फ़ में इसका क्या काम है, बहरहाल नाम इसका ऐसे ही है।
ये हमारे मोर साहब हैं। एक आध जगह पे लकड़ी का आर्ट भी बना हुआ है, एक उल्लू बनाया हुआ है उन्होंने इतना बड़ा, एक जगह दिल बना हुआ है, एक जगह ये एक इंसान बना हुआ है। इसके पीछे क्या हिस्ट्री है इसकी, ये नहीं मुझे पता, लिख के नहीं। हमने सोचा हम इसकी भी फ़ोटो ले लेते हैं, फिर घर जाके सोचेंगे ये क्या था। वाह इतना प्यारा बच्चा। भाई ये थी हमारी छोटी सी टूर और अब बाहर निकल आए। मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो बगीस नज़र आ रही हैं ये छोटी सी वैन, ये रेंट पे ले सकते हैं बच्चों के लिए, अगर आपके पास बहुत सामान है वो ले सकते हो। बस लोगों की अपनी घरों में होती हैं, लेकिन ये मुझे नहीं पता था, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको घर से नहीं लानी पड़ेगी, आप ये रेंट करो, इसमें सामान डालो और अंदर फिरते रहो। जो भी आपकी चीज़ें हम यहीं काफ़ी देर तक लटकाते फिरते रहे, थकते रहे, और काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इधर आएंगे जब आपको टाइम मिलेगा, समर में आएँ, बेशक समर में कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं, मच्छर ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये बड़ा अच्छा मौसम रहा था, ठंडा ठंडा है, बारिश वाला, लेकिन आज मौसम बारिश का नहीं था इसलिए हम लोग ईजी होके फिर सके। ये प्राइस है 4 से 12 साल के बच्चों का 3 यूरो है, 13 से 17 साल के जो टीनेजर्स हैं उनका 4 यूरो है, और जो बाकी हैं 18 से ऊपर उनका 7 यूरो है, जो और 4 से कम उम्र के बच्चे हैं वो फ्री हैं। पार्किंग भी काफ़ी नज़दीक है, वो गेट नज़र आ रहा है आप लोगों को सामने, और ये पार्किंग है। मतलब बस जगह ऐसा होता है कि कई दफ़ा पार्किंग आपको बहुत दूर मिलती है, ऐसा कोई मसला नहीं है, कभी कोई चीज़ रह जाए तो आप आके जल्दी से ले भी सकते हो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।